हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि जो टेबल है उस पे बॉर्डर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे थे और बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो किसी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वीडियो यहाँ पे पॉज हो गई थी या रुक गई थी। सो इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। दो प्रॉपर्टी यहाँ पे बची हुई है, बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5th हो जाएगा, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में इतना आपको बता चुका था कि बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है जो बेसिकली टेबल के जो सेल्स हैं उन पे अप्लाई होती है। जैसे मैंने आपको इतना बताया भी था, जैसे टेबल है तो इसके सेल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें हर सेल का एक सेपरेट बॉर्डर होता है और फिर टेबल का भी बॉर्डर होता है चारों साइड में। तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है क्या काम आती है कि हम चाहते हैं कि ये जो हर सेल के सेपरेट बॉर्डर हैं या तो ये सेपरेट हो या फिर ये कॉमन बॉर्डर हो, एक बॉर्डर को ये शेयर करें। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि सेपरेट बॉर्डर हम रखना चाहते हैं हर सेल का या फिर कॉमन बॉर्डर रखना चाहते हैं। तो वो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है, इसकी सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हो आप, बॉर्डर कोलैप्स, और ये दो वैल्यू लेता है, एक होता है सेपरेट, एक दूसरा होता है कोलैप्स। अगर आप कोलैप्स करोगे इसका मतलब कि बॉर्डर है सेल्स के वो कोलैप्स हो जाएंगे यानी मर्ज हो जाएंगे, यानी कॉमन बॉर्डर वो शेयर करेगा। और अगर उसकी वैल्यू आप सेपरेट करोगे इसका मतलब क्या है, टेबल के सेल्स हैं उन पे सेपरेट बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेपरेट होती है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट है जो टेबल में आप देख सकते हो कि सेपरेट बॉर्डर्स होते हैं हर सेल के लिए। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि इनमें सेपरेट बॉर्डर ना हो, ये दो बॉर्डर्स हैं, इनको सेल्स हैं जो बॉर्डर को शेयर करें, यानी कॉमन बॉर्डर यहाँ पे हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और लास्ट टाइम इतना हमने किया था, टेबल पे हमने ये लगा रखा है यहाँ पे बॉर्डर। अब मान लीजिए मैं इसको एक आईडी दूंगा टेबल को, और कोई भी आईडी मैं दे सकता हूँ। लेट्स से मैं टेबल वन दे सकता हूँ, टेबल वन मैंने इसको आईडी दी, और इस आईडी की सहायता से मैं यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और अब ये सब आपको पता होगा कि आईडी की सहायता से सीएसएस प्रॉपर्टी आप कैसे लगा सकते हैं, हैस और आईडी का नाम, और फिर वहाँ पे आप सीएसएस लिख सकते हैं उस एलिमेंट के लिए। तो अब मैं इस पर बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा, तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा, बॉर्डर कोलैप्स। तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होता है सेपरेट और एक होता है कोलैप्स। तो मैं अगर इसकी वैल्यू कोलैप्स करूँगा इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स के बॉर्डर्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, दो बॉर्डर्स हैं सेल के वो कॉमन बॉर्डर को शेयर करेंगे। सो आप डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, मैं सेव करूँगा इसको और रिफ्रेश करूँगा तो आप नोटिस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे सेपरेट बॉर्डर है, मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कॉमन बॉर्डर यहाँ पे आ चुके हैं, यानी देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनके सेपरेट बॉर्डर आ रहे थे वो अब अलग अलग बॉर्डर नहीं है, कॉमन बॉर्डर है। मतलब जैसे आप देखोगे रोहन और मैं थे, दो सेल्स हैं, पहले इन दोनों के सेपरेट बॉर्डर थे, बट अब ये कॉमन बॉर्डर को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, सेपरेट होती है। अगर आप सेपरेट दोगे तो वो सेपरेट यानी सेपरेट बॉर्डर यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो इसकी वैल्यू सेपरेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हो। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग क्या काम आता है, बेसिकली ये भी टेबल के जो सेल्स हैं इनके बीच में जो बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी ऐसे समझ सकते हो कि जो टेबल के सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस हम देना चाहें तो वो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की सहायता से दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल, यानी टेबल के जो सेल्स हैं जैसे ये देख सकते हैं रोहन और मैथ, इनके बीच में जो ये स्पेस है इस स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की सहायता से। एंड दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली बी यूज व्हेन बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी सेट टू सेपरेट। ये कब यहाँ पे लगा सकते हैं ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है ये तभी लागू होती है जब यहाँ पे सेपरेट बॉर्डर है। सिंपल सी बात है कि सेपरेट बॉर्डर होंगे तभी तो उनके बीच में हम स्पेस दे पाएंगे। अगर हम बॉर्डर को मर्ज कर देंगे तो बॉर्डर मर्ज कर दिए तो उनके बीच में स्पेस का तो सवाल ही नहीं होता। तो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है जब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम सेपरेट बॉर्डर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली बी यूज व्हेन बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी इज सेट टू सेपरेट, यानी बॉर्डर को कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, सेपरेट बॉर्डर है तभी तो उनके बीच में स्पेस लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो बॉर्डर स्पेसिंग, और सिंपल सी बात है पिक्सल्स में आप यहाँ पे स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि आप इन सेल्स के बीच में कितना स्पेस यहाँ पे रखना चाहते हो। अभी यहाँ पे सेपरेट बॉर्डर है, सेपरेट बॉर्डर है तो मैं इनके बीच में स्पेस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी होती है,
बॉर्डर स्पेसिंग, और मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 पिक्सल्स रखूँगा इनके बीच में स्पेस, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, तो 25 पिक्सल्स करूँगा और मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे कि इन सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस आ चुका है 25 पिक्सल्स का, चारों साइड में हर सेल के बीच में 25 पिक्सल्स का यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तो ये कब अप्लाई हुआ? जब हर सेल का सेपरेट बॉर्डर है तभी अप्लाई हो सकती है प्रॉपर्टी। अगर मैं बॉर्डर कॉलेप्स प्रॉपर्टी को सेपरेट ना करके कॉलेप्स कर दूं, यानी बॉर्डर को शेयर करवाऊंगा, कॉमन बॉर्डर रखना चाहता हूं, तो सिंपल सी बात है ये बॉर्डर को शेयर कब कर पाएंगे? जब इनके बीच में स्पेस नहीं होगा तभी तो शेयर कॉमन बॉर्डर हो सकता है। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे वापस से ये कॉलेप्स हो चुके हैं बॉर्डर, यानी कॉमन बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी कुछ भी काम यहाँ पे नहीं कर रही है, इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इनके बीच में स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि बॉर्डर कॉलेप्स प्रॉपर्टी हमने कॉलेप्स यहाँ पे सेट की हुई है। इसका इफेक्ट तभी हो सकता है जब मैं सेपरेट बॉर्डर यहाँ पे रखना चाहूँ। अगर मैं सेपरेट बॉर्डर रखूँगा तो आप देखोगे वो इनके बीच में जो इफेक्ट है वो यहाँ पे स्पेस वाला है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें थी जो लास्ट वाली वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी, बट किसी भी रीजन से हम नहीं डिस्कस कर पाए थे, और ये था आपका चैप्टर नंबर 4। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस फाइल को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और अब चलते हैं हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 की ओर, और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसको मैं सेव कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 5 या पार्ट 5 में, और इसको मैं नाम दूंगा CSS _ part5.html, ओके और ये HTML की यहाँ पे फाइल हो जाएगी। ये मैंने फाइल बना ली है, और मैं यहाँ पे एक बेसिक सिंटैक्स है HTML का वो यहाँ पे लिख लूँगा, हेड हो जाएगा, हेडिंग क्यों होगा, हेड हो जाएगा, हेड के बीच में टाइटल हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CSS पार्ट 5, और फिर यहाँ पे मैं बॉडी प्रॉपर्टी रखूँगा, और बॉडी के अंदर मान लीजिए हम डिस्कस करेंगे स्पेसिंग, तो मैं यहाँ पे एक H2 टैग काम में ले लेता हूँ या H3 टैग काम में ले लेता हूँ, और मान लीजिए दिस इज ए हेडिंग, ओके दिस इज ए हेडिंग, और मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन भी कर लेता हूँ, एक मिनट मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ मेरे ब्राउजर में, और जस्ट ए मिनट इसको मैंने मिनिमाइज किया, ये मेरा हो जाएगा पार्ट 5, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सिंपल डबल क्लिक करके। ऑलराइट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखोगे यहाँ पे ये एक H3 हेडिंग यहाँ पे हमने काम में ली है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, यानी मैं H2 हेडिंग यहाँ पे काम में लेना चाहूँगा, ताकि मैं इसको क्लियरली दिखा सकूँ। ओके तो ये हो गया यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग, बेसिकली H2 टैग मैंने काम में लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी रख लेता हूँ, चलो, और मैं यहाँ पे लॉरेम करूँगा सिंपल, और मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा और मैं वर्ड रैप कर दूँगा, ताकि मुझे ये न्यू लाइन में दिखाई दे सारा कुछ, और इस तरीके से मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ हमारे पास में एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनके लिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग की सहायता से इन पे कुछ बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस है, चेंजेज हैं वो दिखाई दें, अदरवाइज चेंजेज दिखाई नहीं देंगे। तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड, और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लेट से ब्लू। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, ताकि आपको चेंजेज में जो आप दिखाना चाहता हूँ वो क्लियरली आपको दिखाई दे। ओके सो अब यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं सीधा चैप्टर नंबर 5 की ओर, तो मुझे अगेन उसको ओपन करना पड़ेगा,
मैं ओपन कर लेता हूँ चैप्टर 5 या पार्ट 5 की पीडीएफ को, और ये सारे पीडीएफ हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। हो सकता है मैं तुरंत ना प्रोवाइड करूँ, थोड़ी देर कुछ दिन बाद, एक दिन बाद जब भी हो सकता है मैं टाइम मिलेगा तुरंत प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ पर आप देखोगे तो सारी फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी। आज मैं अब तक की जो भी सारी पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, तो चैप्टर 5 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग। सीएसएस में मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं और ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है मार्जिन और पैडिंग। ये आपको हर जगह काम आएगी, हर एलिमेंट में लगभग काम आएगी, और ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेनी है। तो ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। सो मार्जिन और पैडिंग क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी, सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। अगर आपको मार्जिन अच्छे से समझ आ गया तो पैडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें लगभग सेम है, डिफरेंस पर छोटा सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। सो मार्जिन प्रॉपर्टी इज इन सी एस एस इज यूज टू डिफाइन स्पेस अराउंड द एलिमेंट। जो मार्जिन प्रॉपर्टी है ये क्या काम आती है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके चारों साइड में मार्जिन यानी स्पेस है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं भी कोई भी लाइन, अगर लाइन लगा के हम एक क्यू में खड़े होते हैं तो हम कई बार बोलते हैं कि थोड़ा मार्जिन रखो, यानी थोड़ा स्पेस रखो, यानी थोड़ा गैप रखो। तो जो वर्ड हम यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा मार्जिन बना के रखो, यानी थोड़ा स्पेस बना के रखो आगे पीछे। ऑलराइट, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि कोई भी एलिमेंट है उसके चारों साइड में थोड़ा स्पेस हम रखना चाहते हैं, थोड़ा मार्जिन हम रखना चाहते हैं, तो वो मार्जिन प्रॉपर्टी की सहायता से कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन प्रॉपर्टी सेपरेटली, यानी चारों साइड में मार्जिन होता है, हम इनको सेपरेट अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हम चाहे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, चारों साइड को हम मैनेज कर सकते हैं। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड में हम जो प्रॉपर्टी है उनको अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे सिर्फ टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम में नहीं रखना चाहते, तो वो आप सेपरेटली भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं वो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल बता रखा है। मान लीजिए मैं मार्जिन टॉप करूँगा कि टॉप का मार्जिन मैं चाहता हूँ कि 25 पिक्सल्स हो, और मार्जिन बॉटम हो जो 20 पिक्सल्स हो, और मार्जिन लेफ्ट हो वो 25 पिक्सल्स हो, और मार्जिन राइट हो वो 20 पिक्सल्स हो। तो इस लाइन का मतलब वही है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में आप सेपरेटली मार्जिन है, अलग अलग मार्जिन यहाँ पे असाइन कर सकते हो। सो इतना हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि ये सारी चीज़ें आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और ये प्रीवियस फाइल थी, इसको मैं कर दूंगा क्लोज, और अब मैं आऊँगा मेरे ब्राउजर, सॉरी टेक्स्ट एडिटर में। और अब मैं क्या करूँगा, ये मान लीजिए मैं सबसे पहले H2 एलिमेंट है उसी पे काम करता हूँ, जो हेडिंग वाला एलिमेंट है। ये हेडिंग है, अभी आप देखोगे कि ये हेडिंग है जो बिल्कुल हमारे टच है, बिल्कुल ऊपर स्क्रीन कह सकते हो कि जो हमारा वेब पेज है उसमें बिल्कुल टॉप पे है। बाय डिफ़ॉल्ट इनके साइड में थोड़ा सा मार्जिन और यहाँ पे ऑलरेडी होता है, आप देखोगे कि थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है चारों साइड में, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अलग से कोई मार्जिन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो अब उसकी बात करते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे जो H2 हेडिंग है इस पे मैं मार्जिन रखना चाहता हूँ। मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट है, जैसे बैकग्राउंड है जितना आपको रेड कलर का दिख रहा है, पूरा एलिमेंट है ये, इतना स्पेस ले रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट है, अब इसके चारों साइड में आप चाहते हो कि कुछ मार्जिन रखना चाहे, कुछ स्पेस यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप कर सकते हो मार्जिन प्रॉपर्टी से। तो मैं सिंपल लिखूंगा मार्जिन, और मैं मान लीजिए 25 पिक्सल्स यहाँ पे दूंगा, थोड़ा ज़्यादा दूंगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सिर्फ मैं मार्जिन लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पे स्पेशली अलग से सेपरेटली नहीं मार्जिन दे रहा हूँ, मैं सिंपल मार्जिन 25 पिक्सल लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड में 25 पिक्सल्स का मार्जिन है वो आ जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे कुछ मेंशन करता तो वो फिर उसी डायरेक्शन में आता, सिर्फ मैं मार्जिन लिख रहा हूँ इसका मतलब चारों साइड में हो जाएगा। तो मैंने मार्जिन 25 पिक्सल्स लिखा, सेव करूंगा, जिसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि चारों साइड में 25 पिक्सल्स का मार्जिन आ चुका है। ऊपर से मार्जिन है, साइड से भी है, लेफ्ट से भी है, और बॉटम से भी है। तो ये हो गया 25 पिक्सल्स का मार्जिन यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा दूंगा तो आप क्लियरली देख पाओगे, मैं 35 पिक्सल्स करता हूँ, तो अब आप देख पाओगे कि चारों साइड से 35 पिक्सल्स का जो मार्जिन है, यानी जो ये एलिमेंट है इसके चारों साइड में स्पेस आ चुका है हमारा 35 पिक्सल्स का। तो ये हो गया हमारे पास मार्जिन
सिंपल मार्जिन हमने देखा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं चारों साइड में मार्जिन नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ टॉप बॉटम में या लेफ्ट राइट में ही मार्जिन देना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ और अभी आप देखोगे कोई मार्जिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं चारों साइड में नहीं चाहता, मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट में मार्जिन चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी को काम में लोगे और लेफ्ट से मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 50 पिक्सल्स, मैं ज़्यादा दूंगा ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख सको डिफरेंस, और मैं मार्जिन राइट दूंगा लेट से 50 पिक्सल्स। मैंने लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल्स का मार्जिन दिया। अब इसको मैं सेव करूँगा तो अब आप देखोगे ऊपर टॉप और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं है, बट लेफ्ट और राइट में यहाँ पे मार्जिन आ चुका है 50 पिक्सल्स का। तो इस तरीके से आप स्पेशली सेपरेट अलग अलग डायरेक्शन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मार्जिन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और सिंपल आप मार्जिन लिखोगे तो वो भी आप कर सकते हो, वो चारों साइड में सेम मार्जिन है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको भी मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम मार्जिन पे ही और आगे डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ की, पैराग्राफ की हम बात करते हैं। सो इसमें हमने देखा मार्जिन देख लिया हमने, और मार्जिन किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं वो हमने देख लिया। लेकिन अब सिंपल एक ऐसे हो जाता है मार्जिन यहाँ पे होगा, अब मार्जिन में आप क्या करोगे कि सिंपल एक वैल्यू दोगे, या फिर आप ऐसे करते हैं कि यहाँ पे चारों जो डायरेक्शन है जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, तो ये चार लाइन में आप अलग अलग लिखोगे। इसको आप एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज करके एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, जैसे हमने बॉर्डर में देखा था। तो इनको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे आप अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय एक लाइन में भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो सिंपल मैं मार्जिन लिखूंगा और चार वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, पर मैं इससे पहले आपको नोट्स में चलता हूँ और नोट्स में मैंने लिखा हुआ है वो आपको बताना चाहता हूँ। वी कैन ऑल्सो राइट ऑल द मार्जिन इन सिंगल लाइन बाई यूजिंग मार्जिन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो मार्जिन और चार वैल्यू यहाँ पे दोगे 20 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो ये जो आप चार वैल्यू दोगे तो ये ऑटोमेटिक इनका सीक्वेंस होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। पहली वैल्यू होगी जो टॉप वाला मार्जिन होगा, दूसरी वैल्यू होगी जो राइट वाला होगा, थर्ड वाला होगा जो बॉटम वाला होगा, और फोर्थ वाली वैल्यू होगी जो लेफ्ट वाली हो जाएगी। यानी स्टार्ट होता है टॉप से, स्टार्ट होगा टॉप से, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज आप चलते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो ये चारों वैल्यू इस तरीके से आप दे सकते हो एक साथ। अब मैं आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड करके बता देता हूँ। लेट्स से मैं दूंगा 25 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स। तो अब ये चार वैल्यू मैं एक साथ दे सकता हूँ। तो पहली वैल्यू कौन सी हो जाएगी टॉप वाला मार्जिन, दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी यहाँ पे राइट वाला, थर्ड वाली हो जाएगी बॉटम, और फोर्थ वाला हो जाएगा लेफ्ट वाला मार्जिन। तो मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे कि अब की बात पैराग्राफ पे हम लगा रहे हैं तो पैराग्राफ पे चारों साइड में अलग अलग मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। आप देखोगे टॉप में कितना दिया था मैंने, टॉप में मैंने सिर्फ 20 पिक्सल्स दिया है इसलिए दिखाई कम आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स इधर हो जाएगा और नीचे 40 पिक्सल्स है और साइड में 50 पिक्सल्स है, ओके। तो ये चारों साइड में आप इस तरीके से सेपरेट यहाँ पे आप दे सकते हो मार्जिन। ये हो गया कि आपने सिर्फ चार वैल्यू दी, मतलब चारों वैल्यू एक साइड प्रोवाइड कर दी, तो सिंपल सी बात है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। बट आप चाहते हो मैं चार वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं सो सिर्फ तीन वैल्यू देना चाहता हूँ यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे तीन वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, मैंने नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है एग्जाम्पल की सहायता से, आप अगर इस तरीके से मार्जिन और 20 पिक्सल, 25 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स सिर्फ तीन वैल्यू देते हो तो ये कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी। पहली वैल्यू हो जाएगी टॉप की और जो लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी बॉटम की, यानी टॉप बॉटम पहली और लास्ट वाली वैल्यू, तो टॉप और बॉटम की हो जाएगी और बीच की वैल्यू बची वो लेफ्ट राइट वाली हो जाएगी, ओके। सो अब तीन वैल्यू आप इस तरह से दोगे तो क्या हो जाएगा, पहली और लास्ट वाली तो टॉप बॉटम हो जाएगी और बीच वाली वैल्यू है वो लेफ्ट राइट वाला मार्जिन हो जाएगा। सो अगर अब मैं यहाँ पे ये चीज़ मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है क्लियरली, तो मैं यहाँ पे अगर देता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल्स और मैं यहाँ पे देता हूँ 70 पिक्सल्स और यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल्स। तो अब मैंने तीन वैल्यू दी तो पहली वैल्यू और लास्ट वाली तो टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगी, यानी टॉप से मार्जिन हो जाएगा 50 पिक्सल्स और बॉटम से मार्जिन हो जाएगा 100 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट में कितना हो जाएगा
75 पिक्सल जो बीच वाले है वो लेफ्ट और राइट की हो जाएगी। इसको सेव करूँगा और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे डिफरेंस नोटिस कर पाओगे कि टॉप में कितना हो गया 50 पिक्सल्स और बॉटम में कितना हो गया 100 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट में इक्वल मार्जिन हो जाएगा 75 पिक्सल्स का। ओके, तो इस तरीके से आप तीन वैल्यूज भी दे सकते हो। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार मैं तो सिर्फ दो वैल्यू ही देना चाहता हूँ, तो मैं मार्जिन में अगर दो वैल्यू देना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हो। या मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मार्जिन आप 20 पिक्सल्स और 25 पिक्सल्स सिर्फ दो वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो पहली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, टॉप बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, लेफ्ट राइट के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्लियर कर लेना है, नोट से पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चार वैल्यू दोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तीन वैल्यू दोगे तो पहली और लास्ट हो जाएगा टॉप बॉटम के लिए और बीच वाली हो जाएगी लेफ्ट राइट के लिए। सिर्फ दो वैल्यू देते हो तो पहली वैल्यू हो जाएगी टॉप बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट राइट के लिए। और सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो वो चारों डायरेक्शन की हो जाएगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की। वो तो बिल्कुल सिंपल है, एक वैल्यू दोगे तो चारों साइड का वैल्यू हो जाएगी, सेम मार्जिन आ जाएगा। सो सिर्फ अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू भी देता हूँ इस तरीके से 20 पिक्सल्स और लेट से 40 पिक्सल, तो 20 पिक्सल्स मार्जिन है जो टॉप बॉटम पे हो जाएगा और 40 पिक्सल्स मार्जिन है वो लेफ्ट राइट में हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा मार्जिन प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी की। पैडिंग क्या होता है? सो मार्जिन आपको समझ आ गया, मार्जिन क्या था कि कोई भी एलिमेंट है उसके चारों साइड का स्पेस, वो होता है मार्जिन। अब बात करते हैं पैडिंग की क्या है। मार्जिन और पैडिंग ऐसी प्रॉपर्टी है जो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो क्लियर आपको यहाँ पे करना है। पैडिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स कॉन्टेंट एंड एलिमेंट बॉर्डर। बस इतना सा फर्क है। मार्जिन क्या करता है, एलिमेंट के चारों साइड का स्पेस को डिफाइन करता है। पैडिंग क्या करता है, जो बॉर्डर है और जो उसका कंटेंट है उसके अंदर, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच का स्पेस को मैनेज करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया, मान लो अभी हमने देखा था जो मार्जिन तो क्या था, जैसे ये एलिमेंट है हेडिंग तो इसके चारों साइड का स्पेस। बट पैडिंग क्या हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगा जैसे ये बॉर्डर है, इसका बॉर्डर है और इसके अंदर जो कॉन्टेंट है ये लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे जो कंटेंट है जो चारों साइड के बिल्कुल चिपका हुआ है, जैसे दिस है जो बिल्कुल राइट लेफ्ट में चिपका हुआ है और टॉप बॉटम में चिपका हुआ है। तो आप चाहते हो बॉर्डर और इस कंटेंट के बीच में जो इसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट है उसके बीच में कुछ स्पेस हो, वो होता है पैडिंग। और सेम जैसे आपने मार्जिन अप्लाई किया ऐसे सेम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो वी कैन डिफाइन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पैडिंग सेपरेटली। इस तरीके से पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आप एक वैल्यू, वी कैन प्रोवाइड ऑल वैल्यूज इन वन लाइन एज वी डिड फॉर मार्जिन। जैसे हमने मार्जिन में देखा वैसे कि वैसे चारों वैल्यूज आप मतलब एक लाइन में भी दे सकते हो, जैसे हमने मार्जिन में किया था। तीन वैल्यू भी दे सकते हो, दो वैल्यू भी दे सकते हो, वन वैल्यू भी दे सकते हो। तो वो सारा जैसे हमने मार्जिन में डिस्कस किया था सेम वैसा ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको डिफरेंस है जो यही समझना है कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। मार्जिन होता है एलिमेंट के चारों साइड का स्पेस और पैडिंग होता है एलिमेंट के बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे हेडिंग के जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो टॉप बॉटम और लेफ्ट में बिल्कुल इसके सटा हुआ है, तो हम चाहते हैं इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, मैं करता हूँ सबसे बात पहले बात करता हूँ हेडिंग की, तो मैं यहीं पर लिखूँगा। अब बात कर लेता हूँ मैं किसकी, पैडिंग की। मार्जिन तो हमने डिस्कस कर लिया, पैडिंग की हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग और सिंपल में पैडिंग दूंगा 25 पिक्सल। तो जैसे हमने मार्जिन में किया था पैडिंग 25 पिक्सल दूंगा, एक वैल्यू देता हूँ तो चारों साइड में लग जाएगा, तो 25 पिक्सल्स की पैडिंग चारों साइड में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये अब ये स्पेस किसका हुआ, चारों साइड का स्पेस नहीं हुआ, वो तो मार्जिन हो जाएगा। ये बॉर्डर है जिसके बीच में जो लिखा हुआ है इनके बीच का स्पेस हो जाएगा, वो होता है पैडिंग। तो चारों साइड में 25 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पे आ चुकी है। इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हो, और जैसे हमने मार्जिन में किया था तो पैडिंग आप यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हो। पैडिंग आप सिर्फ चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ टॉप बॉटम में ही पैडिंग चाहिए, यानी अभी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सटा हुआ है। एक मिनट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सेव किया तो आप देखोगे अभी कोई पैडिंग नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट राइट में छोड़ो, टॉप और बॉटम में मैं सिर्फ पैडिंग देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सेपरेट भी दे सकते हो पैडिंग
पैडिंग टॉप मान लीजिए मैं 25 पिक्सल्स दूंगा और पैडिंग बॉटम भी यहाँ पे दे सकते हो, लेट्स से मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगा 30 पिक्सल्स। तो मैं इसको सेव करूँगा और आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो देखोगे सिर्फ टॉप में 25 पिक्सल्स और बॉटम में 30 पिक्सल्स की पैडिंग आ चुकी है, लेफ्ट राइट में कोई पैडिंग नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप और बॉटम में ही दिया है। इस तरीके से आप कर सकते हो, या हमने सिंगल लाइन प्रॉपर्टी देखा है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप सिर्फ अगर यहाँ पे पैडिंग लिखते हो और सिर्फ आप दो वैल्यू देते हो, लेट्स से 50 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स, मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आए। सो मैं दो वैल्यू देता हूँ और इसको सेव करूँगा और रिफ्रेंस करूँगा तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे दो वैल्यू का मतलब क्या हुआ। पहली वैल्यू तो हो जाएगी टॉप बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट राइट के लिए। सो टॉप बॉटम में 50 पिक्सल्स का पैडिंग आ जाएगा और लेफ्ट राइट में 100 पिक्सल्स का पैडिंग आ जाएगा। आप देख सकते हो टॉप बॉटम में 50 पिक्सल्स का है और लेफ्ट राइट में थोड़ा ज़्यादा है, 100 पिक्सल्स का पैडिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पैडिंग और मार्जिन प्रॉपर्टी है इनको CSS में काम में ले सकते हो। बिल्कुल इजी है लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन आपको कर सकता है अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो आपको बस इतना ही समझ लेना है कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बस इतना समझ लेना है। मार्जिन हो जाएगा अपने चारों साइड का स्पेस और पैडिंग हो जाएगा कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल क्लियर यहाँ पे किया है और सारा कुछ मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। जिस भी वीडियो में डाउट है उसी वीडियो में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और विद इन टाइम उनका रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट आपको करना है अगर आपको डाउट आता है तो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका फीडबैक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपका फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। और ऐसे करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो आपको इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।